Assalamualaikum, this is Shafiqan Mia. Welcome back to my YouTube channel. समझ गए होंगे। आज के वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ मेरा न्यू मेकअप कलेक्शन। सो हुआ क्या, कुछ टाइम पहले, अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने काफी सारी शॉपिंग की मेकअप को लेके, हो गया कपड़े, बैग, शूज, नीचे हो रही हो जा रहा है, मुझे डर लग रहा था ट्राइपॉड नहीं ला दे, शूज और बहुत सारी और भी शॉपिंग की। तो मैंने सोचा क्यों ना वो सब तो देखा जाएगा मैं बनाऊंगी कि नहीं, बट मैंने सोचा मेकअप का मैं बना लेती हूँ। मेरा जो न्यू मेकअप कलेक्शन है, ये पूरा मेकअप कलेक्शन नहीं है जो मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ, जो मेरे पास मेकअप है ये बस नया नया है जो मैंने अभी अभी खरीदा है। इनमें से कुछ कुछ मैंने इस्तेमाल भी कर लिया, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ चीजें एकदम चेक करने के लिए होता है ना, नया नया आता है तो वेट नहीं किया जाता है, अरे कब इस्तेमाल करें, तो वैसे मैंने कर लिया, बट मैंने वेट किया फिर भी कि मैं यू नो आप लोग को दिखाऊंगी अच्छे से। सो इस वीडियो में मैं आप सबको पूरा डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे रिव्यू नहीं दे रही हूँ मैं कि अच्छा है ये, इसका इतना प्राइस है और ये सब, क्योंकि रिव्यू वीडियो नहीं, ये जस्ट मेरा मेकअप कलेक्शन है। सो मैं बस आपको निकाल के और दिखाऊंगी कि ये ऐसा है, कि ऐसा है, तो बस ऐसे ही होने वाला है। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो। सो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा आप सब देख सकते हो ये रही मेरी न्यू वैनिटी, और ये काफी बड़ी है और ये भी है छोटी सी। सो इसकी थोड़ी स्टोरी बता देती हूँ मैं। पहले मैंने ये मंगवाई थी, बट आप सब जैसा देख सकते हो ये थोड़ी छोटी है, मेरा मेकअप बिल्कुल फिट नहीं आ पाता, ऐसा नहीं बिल्कुल फिट नहीं आ पाता, आ सकता है एक एक चीज आ सकती है, जैसे एक फाउंडेशन, एक कंसीलर, एक पाउडर, ऐसे एक एक, और मेरी आदत नहीं है कि मैं एक एक प्रोडक्ट लेके मेरा मैं मतलब यू नो ट्रैवल करूँ कहीं भी, या फिर मैं स्टूडियो में रहती हूँ तो वहाँ पे भी आप सबको पता है मेरा एक एक तो कुछ भी नहीं रहता है। सो इसमें तो मेरा मेकअप बिल्कुल आने से रहा, ऐसे कभी हो गया कि आपको थोड़ा मेकअप लेके जाना है तो तब के लिए ये परफेक्ट है, बट मेरी ज़रूरतें हमेशा बहुत बड़ी होती है। सो मैंने ये वाली मंगाई और ये काफ़ी बड़ी है, आप सब देख सकते हो। हमें इसको ना पहले मैं बता दूं कि आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, आप इसको एक भी लेके जा सकते हो कहीं भी, क्योंकि ये अलग अलग हो जाता है, ऐसे अटैच कर सकते हो यहाँ से, बढ़िया निकल भी जाता है। तो अब मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ टेबल और ये सब नहीं है, मैंने बेड के ऊपर रख रखा है इसको, तो चलो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ आप सबको अच्छे से दिखे। सो पहले मैं ये दिखा देती हूँ क्योंकि ये छोटी सी है, सबसे पहले ये ऐसे ओपन हो जाती है, ये तो खाली है अभी क्योंकि इसमें मैंने कुछ मेकअप नहीं रखा है, और फिर ऐसे करके इसको ओपन कर लो, चलो ये तो खाली है बस, फिर भी मैंने सोचा आपको दिखा दूं क्योंकि ये भी नई है, और सो पर आप लोग ने देखी है ये मेरी, ये बंद नहीं हो रही, आप लोग ने ना देखी है ये मेरी वीडियोस में। ओके हो गई बंद, अभी मेरे मेकअप की बारी आती है, तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करती हूँ, ये यहाँ से ओपन हो जाती है और फिर ये यहाँ से ओपन हो जाती है, ठीक है, मैं आपको ऐसे करके अच्छे से दिखा देती हूँ। ओके, तो आप सबको अब मैं भी अच्छे से दिखती हूँ और ये वैनिटी भी अच्छे से दिख रही है, तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, यहाँ से मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ऐसे ये खुल जाती है, यहाँ पे आप आपके ब्रशेस रख सकते हैं, आपके क्यों बता रही है, मेरा मेकअप कलेक्शन है, मैं रिव्यू नहीं दे रही हूँ। ओके, तो अगर आप ये खरीदते हो आप रख सकते हो, जस्ट जान लो। सो यहाँ पे मैंने मेरा सारा मेकअप रखा है, मैं आपको मेरे निकाल निकाल के ना सारा ऐसे भी दिखा देती हूँ, ये रही मेरी पैलेट, और फिर मैंने जो स्मैश बॉक्स का पैलेट मंगाया था मुझे, उसके साथ थोड़े बहुत गिफ्ट्स भी मिले, तो पाउचर उसके साथ का, ये बेल्ट वैनिटी का ही है, और ये रहा मेरा एक और जो बॉक्स होता है उधर भी है एक मेरे पास सेम टू सेम, एक और मैंने मंगा लिया, फिर मैंने ऐसे ही फेक नेल्स मंगा लिए थे, पता नहीं क्यों, काम तो आने वाले नहीं है, मैं इतना यूज तो करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे नेचुरली अच्छे खासे माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं, बट मैं कट कर देती हूँ। सब तो गिफ्ट्स है, पाउचेस छोटे छोटे, और फिर ये मैक का पाउच जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है,
बहुत सारा सामान है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। फिर ये पैक किए छोटे छोटे ना स्पंज पाउडर पफ जैसे, बहुत क्यूट है। फिर ये तो मेरा अलग से ही था, मैंने पहले मंगाया था मेकअप रिमूव करने का पैड, पता नहीं मैंने अभी तक यूज तो नहीं किया है, क्या मालूम कैसा होता है। ये सेम मैक का वापस पाउच एक, फिर एल्फ का एक आई शैडो ब्रशेस, फिर एक और ग्लिटर आई शैडो, ग्लिटर आई शैडो है ये सब, और फिर ये एक कंडीशनर आ गया था फ्री में गिफ्ट, तो ये बहुत क्यूट एक स्पंज है, और फिर ये हाइलाइटर किसका है, मेबेलिन का हाइलाइटर। ओके तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सारा सामान निकाल देती हूँ और उसके बाद आप सबको एक एक करके दिखाती हूँ, वो बेटर रहेगा। ओके तो आप सब देख सकते हो ऊपर का जो था वो मैंने निकाल दिया, उसमें से सारा मेकअप निकाल लिया। तो सबसे पहले मैं आती हूँ मेरे ब्रश सेट पे, मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ, ये कुछ ऐसा दिखता है, इसके नए से ब्रशेज आईज के मेन दिए हुए हैं इसमें। सो ये मैं ग्लो रेसिपी का सीरम, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है और मैंने देखा काफी लोग ट्राई करते हैं, सो मैंने एक मंगा लिया। ये थोड़े क्यूट पाउचेस जो कि बहुत अच्छे हैं, फिर जैसे मैंने बताया स्पंज, फिर ये मेरा रेयर ब्यूटी का पैलेट, और ये बहुत ज्यादा प्रिटी है, इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ओके दिख रहा है, वाओ सो प्रिटी। मैंने ये यूज किया है क्योंकि मुझसे सबर नहीं हो रहा था वैसे मैंने वेट किया काफी, आप लोगों को सीधा दिखाऊं उसके बाद ही यूज करूं, क्योंकि मुझे ऐसे बता रहा था कि मैंने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया, बट कुछ कुछ मैंने कर लिया है क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा था। ये पैलेट जो मैंने पहले मंगाई थी इसके ऊपर का मैंने फेंक दिया, ये कुछ ऐसी है और ये बहुत अच्छी है। इसका टू भी है, पार्ट वन पार्ट टू, सॉरी उल्टा है, ये पार्ट टू है, इसको भी मैं दिखा देती हूँ। सो प्रिटी। फिर ये मैक का पाउच, फिर ये पता नहीं कि मुझे एक शैम्पू फ्री मिल गया था। फिर ये टू फेस्ड का मेरा पैलेट, ये बहुत ज्यादा प्रिटी है, ये इतना ज्यादा प्रिटी है ना इसकी पैकेजिंग, ओ माय गॉड। रुको इसको खोलती हूँ मैं, बस ना डर लगता है क्योंकि ये बहुत यू नो एकदम नाजुक सी लगते हैं, पर ये बहुत ज्यादा प्रिटी। इसको ओपन करो, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, थोड़ी चॉकलेट भी आती है और स्ट्रॉबेरी ऐसे मिक्स मिक्स कुछ तो आती है, बट अच्छी लगती है दिखाने। और ये छोटे मैक के मेकअप फिक्सर, जो कि कोई बड़ा प्रोडक्ट लो तो यू नो साथ में आ जाते हैं गिफ्ट। फिर ये ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश, फिर ये लिपस्टिक जिसको शेक करके लगाना पड़ता है, मुझे फ्री में कुछ तो परफ्यूम आया था। ये स्मैश बॉक्स का फेस पैलेट है, ये भी बहुत प्रिटी है। अच्छा इसके अंदर कुछ था, सो प्रिटी। फिर एक मैंने ये पैलेट मंगा ली थी शुगर की, जिसके अंदर ये यू नो अच्छा रहता है कॉन्टो ब्लश एंड हाइलाइटर, तो कहीं एक ही मतलब बैग में लेके जाना हो तो ये परफेक्ट है, तीनों चीजें आपको एक साथ मिल जाती है। फिर एक छोटा मेकअप फिक्सर, एक और मेकअप फिक्सर, ये तो मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं, ये पैक के हैं स्पंजेस जिसको मैंने यूज भी किया, तो ये गर्ल है सो क्यूट आइज है। और फिर ये वाला जो है ये बॉय है मिस्टर एंड मिसेस कुछ तो नाम था इनका, मैं भूल गई, और ये बॉय, दोनों अलग है बट बहुत क्यूट है। नेल पेन रिमूवर, फिर हाइलाइटर, ये भी मुझे काफी अच्छा लगता है, मेरे पास दो दो हो गए ये। ओके तो ऊपर वाले में जितने मेकअप था मैंने आप सबको दिखा दिया, अब बारी है नीचे वाले वैनिटी की, तो जल्दी से मैं ये दिखा देती हूँ। ओके तो इस वाले वीडियो के लिए मैं हाथ में पकड़ती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर आप लोग को अच्छे से दिखाना है और उतनी दूर से अच्छे से नहीं दिखने वाला, इसलिए मैं बैक कैमरा से ना एक एक करके आप सबको दिखाने वाली हूँ। ओके तो ये रही वैनिटी, आप सब देख सकते हो कुछ इस तरह है, इसको यहाँ से खोल लो और फिर ये खुल जाती है, आप सब देख सकते हो। सबसे पहले आते हैं मेरे बड़े बड़े टू फेस्ड के पाउचेस,
फिर ये सबसे बड़ा अभी तक मैंने जितने भी मेकअप ब्रशेस सेट लिए हैं, एक और है मेरे पास, उसमें 25 ब्रशेस है, इसमें है कुछ 31 ब्रशेस, और ये अभी तक का सबसे बड़ा सेट है मेकअप ब्रशेस का। और भी है, फिर मैंने ये एक हेयर स्प्रे मंगा लिया था, क्योंकि वैसे तो मैं इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ, मेरे बालों का मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, बट फिर भी मैंने कर लिया कि कभी ज़रूरत पड़ती है तो चाहिए होता है। और फिर ये मेगा फिक्सर एक ले लिया मैंने। फिर यहाँ से चेन खोलोगे तो सबसे बेस्ट पार्ट है जो कि है ये ड्रॉर्स। ये मेरे फेवरेट है, एकदम यू नो बहुत कन्वीनियंट है, आप कुछ भी अपने मेकअप ना अच्छे से ऐसे रख सकते हो जैसे घर में रखते हो ड्रॉवर्स के अंदर। वैसे यहाँ पे भी जगह है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, पीछे भी यहाँ पे ब्रशेस रख सकते हो। तो सबसे खोलोगे तो मेरे आता है आई लाइनर्स और ये सब की चीज है, आप सब देख सकते हो ये। फिर आते हैं मेरे कलरफुल आई लाइनर्स जो कि सेम सेम है, इसका येलो भी था बट वो डैमेज हो गया तो मैंने फेंक दिया। फिर ये कलरफुल आई लाइनर्स जो कि वाटर एक्टिवेटर है। फिर ये आता है काजल लाइनर, फिर एक आई लाइनर वापस से, फिर एक वापस काजल जिसको आप आई लाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो इन सबको। फिर ये है, ये भी आई लाइनर है, आई थिंक ब्राउन है ये, मैंने अभी तक ब्राउन आई लाइनर नहीं लिया इसलिए मैंने ये मंगाया था। फिर वापस आ जाता है काजल, फिर ये कलरफुल आई लाइनर्स जो कि मुझे बहुत प्रीटी लगते हैं, ग्लिटर है ये बाय द वे। फिर ये वाला आई लाइनर मुझे बेस्ट लगता है, इनके काफ़ी चार कलर्स है आई थिंक, मेरे पास चारों है और ये बहुत अच्छा है। बस ये है कि पानी वानी लगे निकल जाता है, बट मैट बहुत अच्छा रहता है ये और मैं बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ। फिर एक और लाइनर, फिर ये वाला देख सकते हो अब ख़त्म हो गया, मैंने सब यहाँ रख दिया। एंड बाय द वे आज जो मैंने मेकअप किया है ये मेरा फेवरेट लुक है, बोल्ड आई लाइनर, न्यूड लिपस्टिक, पिंक चीक्स, ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये कोई भी आउटफिट पे परफेक्टली चला जाता है। सो मैंने आज कोई और ड्रेस डिसाइड किया था कि मैं पहनूंगी, बट मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं ये मेकअप करती हूँ, फिर जो भी आउटफिट मुझे पहनना है वो चला ही जाएगा अच्छे से। तो या आप लोगों को कैसा लगा ये वाला मेरा मेकअप मुझे जरूर बताना। देखो मेरा बाबू कितने प्यार से बैठा है यहाँ पे। हाय ओलियो, हाय, फिर गंदे होके आ गए आप। हाँ फिर गंदे होके आ गए, इतने अच्छे से मम्मा आपको नया नया करती, आप गंदे होके आ जाते हो। क्यूट 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 कितने क्यूट लगते है, बहुत मैसी है, प्लीज इग्नोर करो इन सब चीजों को। देखो मैं क्यूटी क्यूटी मीना हो रही। हाय हाय, हेलो कटम, हेलो कटम। उठ के बैठ गया, टच मत करो बस, ये चाहता है मुझे टच मत करो, खेलो मेरे साथ टच मत करो। सो गया। चिकू 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 चिकू। ओके तो नेक्स्ट और आता है, इसमें है सारे मेरे ब्लशेस, आप सब देख सकते हो। तो सबसे पहले ब्लश आता है शार्लेट टिलबरी जो कि ये रहा। फिर मैंने ये एल्फ का लिया था, ये आई थिंक कुछ न्यू था और मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। फिर ये पाउडर ब्लश, और फिर आप सब देख सकते हैं छोटा सा ब्लश, बहुत क्यूट लगता है। फिर ये मेरा मैक का ब्लश, इसका कलर बहुत अच्छा लगा था तो ये ले लिया था। फिर एक ये रेवोल्यूशन का ब्लश, ये मैंने आज ही लगाया, आप सब देख सकते हो यही ब्लश है जो मैंने लगा रखा है, काफ़ी अच्छा था। फिर ये लिक्विड ब्लश, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया लिक्विड ब्लश से, पता नहीं क्यों, तो मैंने बहुत सारे मंगा लिए हैं। फिर ये बेनिफिट का, ये मेरे पास पहले था, अभी मैंने वापस मंगा लिया है। और फिर ये तीनों है लिक्विड ब्लश जेली टाइप के, तो मैंने ये भी मंगा लिए थे, मैंने यूज़ नहीं किए थे बट यूज़ किए तो मुझे अच्छे लगे। ओके तो हमारे थर्ड ड्रॉअर में आ जाते हैं, पास आ जाओ मम्मा। अरे हाँ हो गया मैम। थर्ड ड्रॉअर में आते हैं तो यहाँ पे है सारी मेरी मस्कारा, और फिर क्या बोलते हैं मस्कारा है और आईब्रो का है, ज़्यादा मस्कारा ही है। हाँ आईब्रो पेंसिल आती है ये हमारी सबसे पहले। फिर है ये आईब्रो एंड लैश मस्कारा जेल, जिससे ऐसे यू नो चिपक जाती है, हम ऐसे ऐसे लगाते हैं तो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ ये वाला। फिर आता है ये मेरा फेवरेट लॉरियल का आईब्रो पाउडर आता है ये, तो मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है, मैं यूज़ भी करती हूँ रोज़ाना। फिर मेरे बहुत सारे मस्कारा, लॉरियल लॉरियल मेबलिन का मस्कारा, फिर ये आता है मेबलिन मस्कारा। फिर ये मैंने मंगा लिया था जेल जो कि ट्रांसपेरेंट है, आपको ऐसे आई थिंक दिखेगा नहीं कुछ भी, तो अच्छा था ये। फिर ये मेरा स्मैश बॉक्स का मस्कारा,
और आप सब देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत क्लासी है। और ये भी मैंने मंगा लिया था। फिर ये रहे मेरे टू फेस्ड के मस्कारे टू फेस्ड का मस्कारा। फिर ये रहा एक बड़ा मस्कारा, और फिर ये आईब्रो जेल स्टे करता है काफ़ी टाइम के लिए। फिर ये एक और बेनिफिट का आईब्रो छोटा सा एकदम मैंने ये मुझे गिफ्ट मिला है उसके साथ, तो ये एक है। फिर एक और वापस से आईब्रो जेल। तो ये वाला जो पार्ट है वो हो चुका है फिनिश। अब आते हैं फोर्थ ड्रॉवर पे। ओह ये वाला सबसे ज़्यादा भरा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। ये रहे मेरे सारे नए लिप लाइनर्स, सारे कलर के, बहुत सारे कलर के हैं। हाँ बट मेरा फेवरेट ब्राउन ही है, सबसे ज़्यादा मैं ब्राउन ही यूज़ करती हूँ। मैं ग्लिटर वाला ग्लॉस, और फिर ये काफ़ी सारे आ जाते हैं लिप क्रीम, ये रहा एक। फिर ये वाली सब वो शेक वेक वाली बताई थी एक और, और फिर ये लिप लाइनर्स, फिर वापस लिप लाइनर्स, फिर ये लिपस्टिक मैक की शार्लेट टिल्बरी की एक छोटी लिपस्टिक, फिर ये ग्लॉस है कीको मिलानो का, जो कि जिसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ग्लॉस भी मैं लगाती रहती हूँ कभी कभी, तो मुझे ये मेरे भाई का। फिर ये एक और ग्लॉस, फिर एक और ग्लॉस, ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे ग्लिटर। ये है लिप प्लम्पर, जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा, बट मुझे गिफ्ट में आया तो मैंने रख लिया। फिर आप तो देख सकते हो ये है सारे लिप लाइनर्स, छोड़ो मैं खोल के नहीं दिखा रही अभी। ओके तो फिफ्थ वाला ड्रॉअर आता है, इसमें है मेरी सारी लैशेस, इसको भी मैं, ये लैश ग्लू है एक ही नया, वैसे तो मेरे पास दो और पड़े हैं बट ये नए हैं, तो ये अलग अलग लैशेज है। मैंने ये ली थी बट मेरे ज़्यादा कुछ काम नहीं आई तो ऐसे ही पड़ी है। ये वाली सब नई नई है, देख सकते हो आप, आई थिंक मैंने एक दो यूज़ किए। फिर जो मेरा फिफ्थ ड्रॉअर आता है, इसमें सारे पाउडर एंड कॉन्टोर। ओके तो ये फेंटी ब्यूटी का मेरा कॉन्टोर अभी नया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर ये पाउडर शुगर का, फिर ये मैक का पाउडर, फिर एक और पाउडर ट्रांसलूसेंट पाउडर, आप सबको होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं यूज़ भी करती हूँ ये पफ, पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर एक और पाउडर, फिर एक और पाउडर फिर ये बेसिकली मैंने यहाँ पे रख दिया। ये था तो मैंने मंगाया था कीको मिलानो का आई शेडो है ब्राउन कलर का, बट मैं आई शेडो में यूज़ नहीं करती, तो मैं उसको कभी कभी ना ऐसे जल्दी वल्दी में मुझे चाहिए होता है, कहीं लेके जाना होता है, तो मैं कॉन्टोर के जैसे यूज़ कर लेती हूँ। फिर ये छोटा एक पाउडर मुझे गिफ्ट में मिला था उस ब्लश एंड उन सब के साथ। ओके तो सेवेंथ आते हैं, तो मेरा फेवरेट पार्ट है जो कि फाउंडेशन। सबसे पहले आता है नार्स का फाउंडेशन, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, नया है, आई लव इट। फिर आता है रेयर ब्यूटी का मेरा फाउंडेशन, ये मैंने अभी तक इस्तेमाल किया एक ही बार किया है, आई थिंक नहीं, दोनों ही किया इस्तेमाल, बट काफ़ी अच्छे थे, मुझे नार्स का भी बहुत अच्छा लगा और ये भी काफ़ी अच्छा था। फिर आ जाता है कंसीलर, और फिर ये आ जाते हैं ये सब डार्क स्पॉट्स, इन सबको हाइड करने के लिए। फिर वापस एक और कंसीलर, ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड आ गया था, बट फिर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ इस्तेमाल आ ही जाएगा। फिर ये वाला कंसीलर जो मैंने आज यूज़ किया। फिर एक और आ जाता है फाउंडेशन, ये मेरा शेड का नहीं आया है, ये थोड़ा सा डार्क आ गया, बट मैंने रिटर्न करने पर डाला था, बट रिटर्न हुआ नहीं, तो फिर अब कुछ कर नहीं सकते, तो रह दे दिया। आज मैंने ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया है, आप सब देख सकते हो, मुझे बताओ आप सबको कैसा लगा। तब आ जाता है एक और फाउंडेशन मेबलिन का, ये शेड मेरा परफेक्ट है, इससे पहले भी मेरे पास एक और शेड था वो थोड़ा डार्क था, बट ये परफेक्ट है। ये है पैक का फाउंडेशन, ये थोड़ा वॉर्म है बट चल जाता है, अच्छे से मेकअप करते हैं जब पूरा कम्प्लीट हो जाता है तो ठीक लगता है। ओके तो लास्ट आ जाते हैं हमारे ड्रॉअर पे, इसमें है मेरा थोड़ा बहुत स्किन केयर, आप सब देख सकते हो। ये है मेरा मॉइस्चराइजर ग्लो रेसिपी का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर आता है ग्लो रेसिपी का सनस्क्रीन, फिर ये मैंने एक हाइलाइटर मंगा लिया था, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। फिर ये छोटे छोटे शार्लेट टिल्बरी के मुझे गिफ्ट में आया, ये छोटा सा सीरम। फिर ये सब छोटे छोटे गिफ्ट्स में, स्मैश बॉक्स, और फिर मैक, और फिर क्या है, ये भी स्मैश बॉक्स ही है सब। फिर आ जाता है मैक का स्ट्रोक क्रीम, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर आ जाता है मैक का बड़ा वाला स्ट्रोप क्रीम, वो छोटा था, ये वाला बड़ा है, काफ़ी अच्छे है ये। फिर आ जाता है कलाबा का प्राइमर, और फिर शुगर का लास्ट है ये, ये भी है स्ट्रोप क्रीम, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। सो आप सब देख सकते हो पूरा मेकअप, अरे ये बच गया, हाँ मैं तो भूल ही गई।
ओके, तो ये मेरा पैक का कलरफुल पैलेट है, जिसमें यू नो जब भी कुछ भी फेस पे पेंटिंग करनी होती है, कुछ भी बनाना होता है कलरफुल या कुछ भी, तो आप इससे बना सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मैंने एक ही बार इस्तेमाल किया वो भी ग्रीन के लिए, और मैंने उससे आईलाइनर ही लगाया था। मैं देखती हूँ, मैं कुछ बनाती हूँ, आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मैं अपने फेस पे क्या बनाऊँ, तो मैं ट्राई करूँगी इससे बनाना, और आई होप अच्छी तरीके से आए। सो आप सब देख सकते हो यहाँ पे मेरा पूरा बेड भर चुका है मेकअप, ओह गिरने वाला था तो मैं उठा लूँ, था। ओके, तो वीडियो के बीच आप सब देख सकते हो ये मेरे ओरियो यहाँ पे सो रहा है। मैं क्यूटी बाबू, क्यूटी बाबू कितने क्यूट है, माशाल्लाह। ओरियो बाबू नींद में, ओ क्या हो गया, देखो अभी परसों ही इसको शावर दिया था मम्मा ने, और इसका हाल देखो क्या हो रहा है, इतना गंदा हो जाता है ये। अरे 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 प्यार कर ली, प्यार कर ली मुझे, आप प्यार कर ली, उसको बहुत परेशान करती हूँ मैं। जैसा आप सबने देखा मेरा पूरा न्यू मेकअप कलेक्शन बहुत सारा है। अब मैंने ऐसे डाल तो दिया है, बट मुझे वापस से क्लीन करना होगा सब कुछ। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना, आप सबको शॉपिंग करना कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ा मजा आया मेरा पूरा मेकअप कलेक्शन आप सबको दिखा के, ये रहा मैंने पूरा सजा दिया आप लोगों को अच्छे से दिखे, तो ये रहा मेरा पूरा मेकअप कलेक्शन, मम्मी ने बहुत हेल्प की इसको लगाने में। सो ये रहा सारा नया मेकअप, और ये ऐसा देखने में ना पूरा शॉप लग रहा है, छोटा शॉप। कौन कौन है मेरी तरह मेकअप लवर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और मेरा न्यू मेकअप कलेक्शन आप सबको कैसा लगा ये भी मुझे बताओ। और अब मैं मज़े से खोल के ये सब मेकअप इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रही थी बस आप लोग को वीडियो दिखा दो, फिर अच्छे से मैं सबको इस्तेमाल करूँ। क्योंकि ना मैं जब यूज़ करती हूँ तो मैं ऊपर की जितनी भी पैकेजिंग होती है उसको फेंक देती हूँ, तो मुझे नहीं फेंकना था वो, इसलिए मैंने थोड़ा वेट कर लिया। बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँ मुझे ज़रूर बताएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं जाऊँ गाइस, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में अलग, बाय।